हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी की जॉब वैकेंसी अपडेट लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बार यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी ने एक बार फिर से भर्ती जो है निकाल दी है। दोस्तों बम्पर भर्ती एक बार फिर से यहाँ पर जो है निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कंपनी में जॉब करना चाहते हैं टाटा स्टील कंपनी में दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे दोस्तों, क्या क्या क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर रखी है, यहाँ पर क्या सैलरी दी जाएगी आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टाटा स्टील कंपनी में जॉब करने के लिए तो दोस्तों एंड तक वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पे हम पूरी डिटेल से जॉब के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं टाटा स्टील की वेबसाइट पर हम विजिट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी यहाँ पे जो निकल के आ चुकी है दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में चले जाना है और गूगल में आपको सर्च कर लेना है दोस्तों टाटा स्टील करियर। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे टाटा स्टील करियर आपको सर्च करके दोस्तों यहाँ पे जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिखेगी, यहाँ पे देख पा रहे करियर जॉब वैकेंसी फॉर फ्रेशर एंड लेटरल। तो दोस्तों सिंपली इस पर आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप फिर से यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप विजिट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट। तो होता है क्या दोस्तों, टाटा स्टील जैसी दोस्तों जो ब्रांड कंपनी होती हैं इनकी एक वेबसाइट पेज होता है, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं इनकी वेबसाइट पेज पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील की वेबसाइट पर इस तरीके से विजिट कर लेंगे दोस्तों। विजिट करने के बाद गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, टाटा स्टील इंडिया, टाटा स्टील यूरोप। तो सिंपली आपको इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको फिर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हायरिंग ड्राइव्स दोस्तों। सिंपली आपको फर्स्ट वाले पर यानी कि एक्सपीरियंस्ड के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जितनी भी वैकेंसीज टाटा स्टील कंपनी ने निकाली है तो आप लोगों को यहाँ पे शो होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे जो है वेबसाइट पर विजिट करके दोस्तों आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोकेशन यहाँ पे जो है दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया यहाँ पे देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे जो निकली हैं टाटा स्टील कंपनी में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे है, मैनेजर सेफ्टी की, असिस्टेंट मैनेजर, सभी असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की यहाँ पे दिख पा रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज जो आप लोगों को मिल जाएंगी, मुंबई है, जमशेदपुर, जयपुर के लिए भी दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम बी मोर कर लेते हैं ताकि और भी वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पे पता करें। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनेजर इंटेलिजेंस की है दोस्तों, तो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे कोलकाता के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एरिया मैनेजर की जो भर्ती चल रही है यहाँ पे देख पा रहे हैं कोलकाता लोकेशन के लिए, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे डीमो के लिए, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नौकरी ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है, सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की मांग है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दे गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप करके दिखाने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे एरिया मैनेजर यहाँ पे देख पा रहे पोस्ट का नाम है, यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आई एग्री आपको कर देना है। यहाँ पे डायरेक्टली इसका जो फॉर्म होगा आपके सामने शो हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे जो है भरना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टाइटल में आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप एक मेल है तो आपको यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करना है एमआर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे जो है टाइटल में आपको एमआर सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, लास्ट नेम लिखने के बाद दोस्तों अपना मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप अपना फिलअप कीजिए, कैटेगरी आपकी क्या है दोस्तों, एससी ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है अपना यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे से फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं करंट सिटी आपकी लोकेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट, और टोटल एक्सपीरियंस काम करने का अगर आपको है तो यहाँ पे एक दो तीन साल यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आपको जीरो रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों करंट एनुअल सैलरी 1 ईयर के हिसाब से दोस्तों आपको कितनी सैलरी चाहिए अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेटा दे सकते हैं दोस्तों हैं। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिएंगे तो आपको इस नंबर में आपको जवाब दे रहे हैं दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे देख पा रहे आर यू करेंटली वर्किंग टाटा स्टील ग्रुप, यहाँ पे देख पा रहे सारे आपको नो करते जाना है। फिर आपको पूछ रहा है दोस्तों हाइस्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो अपनी क्वालिफिकेशन की यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पे जो भर्ती है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे नौकरी को करने के लिए। फिर आप एजुकेशन स्पेशलाइजेशन, फिर दोस्तों आपको पूछ रहा है टाइप ऑफ कोर्स, किस टाइप का आपने कोर्स किया है, फुल टाइम है
या पार्ट टाइम। तो दोस्तों आप अपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर अपना रिज्यूम यानी कि अपना यहाँ पे CV अपलोड करेंगे जो कि 3 MB में यहाँ पे जो है फॉर्मेट। और यहाँ पे दोस्तों ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं फाइल से। जी हाँ दोस्तों, तो फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा टाटा स्टील कंपनी के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों हैं। और कंपनी के HR जो भी फॉर्म किया जाएगा दोस्तों आपको कॉल के थ्रू मेल भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यही प्रोसेस था दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील में कंपनी में जॉब करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।